क्या? ठीक है, चलो ठीक है। हेलो भाई, गुड इवनिंग। सभी को अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो आज देखते हैं नंबर 6। लिखिएगा गिवन दैट, यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट है -2, -4, -5। एक लाइन है, लाइन यदि x+3/3, y-4/5, z+8/6 है। यहां से लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन x-x1/a, y-y1/b, z-z1/c। x1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 6 है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y-4/5 और जेड प्लस क्या होगा 5/6 हो जाएगा। ए दिया क्या हो गया, बस अगर एक लाइन दिया है x+3/3 है इक्वल टू y-4/5 है, z+8/6 है। ये काम करेगा हमेशा, ये काम करता है x1, y1 और ये क्या हो जाएगा z1। x1=-2, y1=4 और z=-5 इसमें पुट करेंगे। a इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा, b=5 होगा, c=2 क्या होगा 6 होगा। इसमें रखेंगे ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। नंबर 7 है, नंबर 7। एक लाइन दिया है, गिवन दैट एक लाइन है x-5, x-3/7, z-6y2। इस लाइन पर जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट लिखेंगे 5 + -, है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 6। ये तो काम करेगा x1, y1 और z1। इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो 3 लिखेंगे, 7 और क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, पॉइंट से लिखेंगे, तो ए हो जाएगा 5i-4j और प्लस क्या होगा 6e प्लस लेमडा बी वेक्टर के काम करेगा 3, यहाँ लिखेंगे 3i+7j और प्लस क्या हो जाएगा 2k। तो कोई भी एक लाइन दिया है, उस लाइन क्या है कार्टेशियन में है। अगर कार्टेशियन में दिया है तो हम लोग के वेक्टर भी निकालना होगा। तो ये जो देता है ऊपर वाला भी पॉइंट के काम करता है। अगर माइनस दिया है तो हमने प्लस लिखा, प्लस रहेगा तो माइनस लिखा, और ये क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाला जो होता है वो डायरेक्शन क्या बोला जाता है, उसको रेशियो बोला जाता है। डायरेक्शन रेशियो मतलब 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। जब हम निकालेंगे एक रेखा का समीकरण निकालना है, मतलब सदिश रूप में एक रेखा का समीकरण निकालेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या बोला जाता है, पोजिशन वेक्टर बोला जाता है। ए वेक्टर जब भी लिखेंगे तो जो बिंदु दिया है उसी से बात कर लेंगे,
और बी वेक्टर इक्वल टू क्या करेंगे, डायरेक्शन जो रेशियो दिया है उसको हम लोग बी वेक्टर कर देंगे। नंबर देखते हैं एट, जो नंबर एट और नाइन क्या है, दोनों एक ही बनेगा, एक ही जैसा है, बस नंबर एट देखते हैं। यहाँ पे नंबर बोलता है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन डेट पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक देखो यहाँ पे गिवन डेट लिखेंगे, ओरिजिन दिया है, ये जीरो 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 होता है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। और दूसरा एक पॉइंट दिया है, मान लो कि P इक्वल टू ए है 5 - 2 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक समीकरण होता है हम लोग जानते हैं वीनो डेट, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, x - x1 - x2 - x1 = y - y1 - y2 - y1 - z - z1 - z2 - z1। ये y लिखा। अब यहां से लिखेंगे x माइनस हो जाएगा, x1 के काम करेगा 0, y1 काम करेगा 0, z1 भी काम करेगा क्या करेगा 0। x2 का मान 5 है, y2 इक्वल टू -2 है और z2 इक्वल टू 3 है, बटा 5 - 0 y - 0 - -2 - 0 z - 3 - 3 - 0 3 नहीं होगा, पहला 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको हटाएंगे तो x बटा 5 y - 2 z y क्या हो जाएगा 3, पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। इसको अब लिखेंगे हम लोग इधर सेकेंड पार्ट, ले a वेक्टर इक्वल टू, a वेक्टर क्या है लिखेंगे तो 0i प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 0i 0j कैप 0k कैप। b वेक्टर इक्वल टू, b वेक्टर किससे लिखेंगे 5, क्या होगा 5i कैप -2j कैप और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहां से देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म, मतलब क्या है, ये सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा के समीकरण r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा और हो जाएगा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए का वैल्यू रखेंगे प्लस क्या हो जाएगा लेमडा, ये देखो b इक्वल टू क्या है 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा, माइनस a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से तो 0i प्लस 0j और प्लस क्या होगा 0। आर वेक्टर इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, सीधा लेमडा लिख दिया जाए, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5i कैप मिलेगा, -2 - 0 यानी कि -2j कैप मिलेगा, प्लस 3 - 0 इक्वल टू क्या होगा 3k कैप होगा, 3 हो जाएगा। तो दो पॉइंट दिया रहेगा, पहला पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे बी वेक्टर लिखेंगे। आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस लेमडा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होता है, ए का वैल्यू रखेंगे लेमडा हो जाएगा, बी माइनस ए कर देंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5 मिलेगा, -2 में से 0 घटेगा -2 मिलेगा, 3 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा। नंबर क्या है 9। प्रश्न संख्या 9 हम लोग देखेंगे, 9 भी इसी तरह से है, हम लोग यहां से लिखेंगे गिवन है,
ठीक है। नाइन यही बोलता है कि दो पॉइंट दिया है, मान लो कि एक पॉइंट क्या है, एक थ्री है, माइनस टू है, माइनस फाइव है, एंड लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, एक थ्री माइनस टू और क्या है, सिक्स है। पहला कंडीशन अगर हम लोग ऐसे पूछा हुआ है, लेट अगर हम मानते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर पहला से लिखेंगे थ्री आई माइनस टू के और माइनस क्या हो जाएगा फाइव के। अच्छा बी वेक्टर लिखेंगे तो मिलेगा थ्री आई माइनस टू के और प्लस क्या हो जाएगा सिक्स के हो जाएगा। यहां से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर डायरेक्ट निकालेंगे, थ्री में से थ्री हटाएंगे तो जीरो मिलेगा, मतलब बी का वैल्यू रखेंगे माइनस ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू इसको रख दिया जाए, ए है थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप और ए माइनस क्या है थ्री कैप। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखो थ्री में से थ्री हटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, सीधा खत्म कर दो, थ्री आई कैप माइनस थ्री आई कैप जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा छह और ए भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए मिलेगा ग्यारह ए कैप बी बी माइनस ए वेक्टर, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा ग्यारह, क्योंकि ये माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो हो जाएगा, सिक्स प्लस क्या होगा ग्यारह, फाइव इक्वल टू ग्यारह हो जाएंगे, ए मिला। अब हम लोग नंबर क्या लिखेंगे, एट देखो अगला। अब क्या करेंगे, दो पॉइंट के बीच दो पॉइंट है, मतलब एक लाइन पे दो पॉइंट है, उस लाइन का अगर समीकरण चाहिए, दो कंडीशन होता है, एक लिखा जाता है सदिश रूप में और दूसरा लिखा जाता है कार्तीय रूप में, ठीक है। जो सदिश रूप में वो समीकरण होता है, यहाँ लिखा है कि सदिश रूप में क्या करेंगे, एक रेखा का जो समीकरण होता है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर और लेमडा क्या होता है B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा। R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर का वैल्यू क्या है, तो A वेक्टर यहाँ सामने रखल है थ्री आई, क्या लिखेंगे थ्री आई माइनस टू जे और क्या है माइनस फाइव ए है, प्लस हो जाएगा लेमडा, देखो b माइनस ए मतलब b वेक्टर माइनस a वेक्टर, b वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल टू क्या है ग्यारह पी कैप है, हो गया। दूसरा कंडीशन होता है कार्तीय रूप, देखो दो बिंदु दिया रहेगा, दो पॉइंट दिया रहेगा, तो जब भी अगर कार्तीय रूप निकालेंगे तो करना क्या है, x माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन करना है, y माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई वन करना है, z माइनस जेड वन बटा क्या करना है जेड वन बटा क्या कर लेंगे हम लोग जेड टू माइनस जेड वन। अब यहां से देखिए x माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या रखेंगे थ्री रखेंगे, ये हो जाएगा थ्री बटा एक्स टू क्या है थ्री माइनस इक्वल टू वाई माइनस ये क्या है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस बटा ये क्या होगा माइनस टू, देखिए माइनस वाई वन तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू जे हो जाएगा, जेड वन का वैल्यू माइनस में है यहाँ रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, जेड टू का वैल्यू क्या है सिक्स है बीच में माइनस, जेड वन क्या है माइनस और माइनस मिलकर के क्या करेगा प्लस। अब आगे चलेंगे तो एक्स माइनस थ्री बटा घटाएंगे तो जीरो, वाई प्लस टू और ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू जेड प्लस क्या हो जाएगा फाइव बटा जीरो। ये लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन का समीकरण जो भी है निकल गया, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच के जो चल जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें ज्यादा, तो अगर एक लाइन है एक लाइन पर दो बिंदु दिया रहता है तो एक कार्टेशियन का ये कंडीशन होता है, वेक्टर का ये कंडीशन होता है। नंबर टेन क्या, नंबर नाइन कंप्लीट हो गया, चलिए आगे देखेंगे नंबर हम लोग।
अभी चलते हैं। देखिए नंबर क्या है, टेन का नंबर वन। पहले इसको समझो, इसमें बोलता है नंबर टेन की आपका दो लाइन दिया है, दो रेखाएं दिया है, और दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा। जैसे मान लो कि r इक्वल टू क्या दिया, आर वेक्टर इक्वल टू दिया है, और फिर a वेक्टर प्लस क्या है लेमडा b वेक्टर, दूसरी है क्या है a वेक्टर और प्लस क्या करेंगे म्यू b, तो इसको a1 मानेंगे, तो इसको a2 और ये b1 और ये क्या हो जाएगा b2। जब भी एंगल निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 हो जाएंगे, और दोनों क्या क्या किया जाएगा मोड निकाल देंगे, ठीक है, और सभी का क्या हो जाएंगे मोड निकालेंगे। तो यहां से नंबर हम वन लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ये है टू आई कैप माइनस फाइव जे कैप और प्लस क्या है के कैप और ये लेमडा। आगे चलेंगे थ्री आई कैप है और टू जे कैप और प्लस क्या करेंगे थ्री सिक्स के। दूसरा जो लाइन है, दूसरा लाइन क्या दिया है कि सात आई माइनस सिक्स जे प्लस म्यू, यहां से आई कैप है टू जे कैप और प्लस क्या है टू के कैप। जब भी दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे तो हमें जो ही जरूरी है वो बी वन और बी टू है, अब बी वन कहां से लेंगे एक लेमडा वाला से लेंगे और एक म्यू वाला से ले लेंगे। अब यहां से लेट मान लो ए काम जो करेगा, पहला क्या काम करेगा ए वन का काम करेगा और दूसरा क्या काम करेगा बी वन के काम करेगा। इस लाइन में अगर हम देखेंगे तो ए टू इक्वल टू ये हो जाएगा और म्यू के साथ है तो वो बी टू का काम करेगा। हमें कॉस थीटा इक्वल टू में, देखो कॉस थीटा में ए वन और ए टू पे कोई जरूरी नहीं है, सीधा क्या करेंगे बी वन और बी टू पे जरूरी है। तो लेट अगर बी वन इक्वल टू क्या है ये थ्री आई प्लस क्या लिखेंगे टू जे और प्लस क्या करेंगे सिक्स के। अगर बी टू के हम बात कर लेंगे तो ये आई कैप प्लस क्या होगा टू जे और प्लस क्या हो जाएगा टू कैप। अगर हम दोनों का डॉट करवा देते हैं तो डॉट कंडीशन देखो, डॉट बहुत आसान चीजें हैं, सीधा कर सकते हैं। अगर ए का वेल्यू क्या है बी वन का वेल्यू क्या है टू, ठीक है जे प्लस क्या सिक्स के हो जाएगा। अच्छा b2 इक्वल टू क्या इसको लिख देते हैं b का वेल्यू रख दिया जाए, i वाले को i के साथ डॉट करवाएंगे हाँ, तो i डॉट i इक्वल टू क्या होता है वन होता है, i डॉट j करेंगे तो जीरो मिल जाएगा, i वाले को i के साथ करेंगे थ्री मिलेगा और एक फोर मिलेगा और k का बारह मिलेगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये उन्नीस मिलेगा। अब आगे अगर b1 का हम मोड देखते हैं, मतलब क्या इसको पढ़ा जाता है मोड ऑफ द मॉडुलस ऑफ d1 वेक्टर है। आगे देखो b1 क्या है, यहां से है 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि तीन थ्री के नौ, दो दो ना के चार और छह के क्या होगा चौसठ हो जाएंगे, छह है ना हाँ छह है मतलब छत्तीस हो जाएगा, छत्तीस चार चालीस और नौ क्या होगा उनचास, उनचास यानी कि फोर्टी नाइन लिखेंगे और इसका रूट क्या होगा सेवन। उसके बाद क्या करेंगे बी टू वेक्टर का मोड निकालेंगे, बी टू वेक्टर भी इसी तरह से निकलेगा। बी टू देखो आई है, आई का कोफिशियंट वन, वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर टू का स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो क्या मिलेगा वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, फोर प्लस फोर होगा जोड़िएगा तो नाइन मिलेगा और नाइन की क्या होगा ये रूट, ठीक है। अब दो रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है हम जान रहे हैं क्या होता है, यहां से लिखेंगे एक हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है बी वन डॉट बी टू, ऊपर वेक्टर लगा देंगे और दोनों वेक्टर के क्या करेंगे मोड निकाल देंगे और सभी का एक बार क्या देंगे मोड निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू। अब कॉस थीटा इक्वल टू है बी वन डॉट बी टू इक्वल टू कितना है जी उन्नीस है। अच्छा मोड ऑफ बी वन देखेंगे तो क्या मिला है सात मिला है और मोड ऑफ बी टू देखेंगे तो थ्री मिला है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मोड से बाहर आएगा हमेशा प्लस देगा उन्नीस बाईस सत्तर क्या होगा इक्कीस
और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, कॉस इनवर्स 19/21। ये हो गया नंबर वन। तो क्या करना है, दो रेखा दिया रहेगा, दोनों रेखाओं के बीच का अगर कोण पूछता है, करना कुछ नहीं है, आर वेक्टर इक्वल टू दो लाइन दिया रहेगा, यहां से ए वाला ए वन के काम करेगा, ये ए टू के काम करेगा, ये बी वन काम करेगा और ये बी टू के काम करेगा। करना क्या है कि बी वन और बी टू के बात करना है, दो वेक्टर का अगर डॉट करवा देंगे तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले के जे के साथ, के वाले को के साथ, चुपचाप जैसे गुणा करते हैं कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे मोड निकालेंगे, मोड ऑफ बी वन वेक्टर का निकालेंगे, मोड ऑफ बी टू वेक्टर के निकालेंगे, इसका रूट वगैरह निकाल लेंगे, बाकी कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं रखेंगे, मोड से बाहर निकलेगा हमेशा प्लस चलेगा, और थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 19/21 हो जाएगा। नंबर टू इसी टाइप का है, सेम टू सेम है। इसको नंबर टू सीधा सीधे हम लिख देंगे, लेट मानेंगे क्योंकि आपके पास है बुक। देखिएगा, आर वेक्टर इक्वल टू दे रखा है, दो लाइन दिया है, लेमडा के पास वाले को हम बी वन मान लेंगे, तो ए हो जाएगा आई माइनस जे और ये हो जाएगा टू। बी टू इक्वल टू क्या मानेंगे, यहां से जानेंगे थ्री आई फाइव जे और माइनस फोर बी के। अब दोनों वेक्टर के क्या करेंगे, डॉट करवा लेंगे। तो आई वाले को आई के साथ करवा देंगे, सीधा भी कर सकते हैं, आई वाले को आई के साथ कराएंगे तो थ्री मिलेगा, ए माइनस और ए माइनस मिलकर के क्योंकि मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, वन इंटू फाइव फाइव मिलेगा, माइनस माइनस प्लस होगा और ए क्या मिलेगा, एट मिलेगा। सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, सोलह मिलेगा। अब उसके बाद बी वन का हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। ये देखिए ए वन है, वन का स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस माइनस वन का स्क्वायर और प्लस क्या कर देंगे, टू का स्क्वायर। ए मिलेगा रूट वन प्लस फोर और ये रूट हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी टू वेक्टर का मोड निकालेंगे, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन देगा, फाइव का स्क्वायर करेंगे टू फाइव देगा और फोर का स्क्वायर करेंगे क्या देगा, सोलह। इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा पचास। अब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, बी टू वेक्टर का मोड निकालेंगे। देखिए ये थ्री का स्क्वायर हो जाएगा फाइव का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, फाइव का स्क्वायर क्या होगा, टू फाइव होगा, फोर का स्क्वायर वन सिक्स होगा। जोड़ेंगे तो रूट कितना मिलेगा, फिफ्टी मिल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है, वी नो डेट कॉस थीटा इक्वल टू बी वन डॉट बी टू, मोड ऑफ बी वन वेक्टर मोड ऑफ बी टू वेक्टर, सभी का क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू दो वेक्टर का डॉट कितना आया है, सोलह आया है, रूट कितना आया है जी, सिक्स आया, सिक्स रखेंगे और ये रूट कितना आएगा, चार। तो कॉस थीटा इक्वल टू दोनों के लिए रूट एक देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तीन सौ हो जाएगा। इसका अगर हम रूट करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, सोलह बट्टा दस, रूट कितना हो जाएगा, थ्री है। एक कटेगा एट से, एक कटेगा भी क्योंकि दो का टेबल में सोलह होता है, दो के टेबल में तीन होता है, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू होगा एट बाई फाइव रूट थ्री होगा। थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एट बाई फाइव रूट थ्री। तो बन जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे ग्यारह,
नंबर 11 है, नंबर भी 11 इसी टाइप से है। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दे रखा है और उसके बीच का कोण ज्ञात करना है। पहले देखो समझ लो, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन और जेड माइनस जेड वन बाई सी वन हो जाएगा। दूसरा लाइन होगा x माइनस एक्स टू बटा ए टू हो जाएगा, y माइनस वाई वन बटा क्या होगा इसमें बी टू लिखेंगे, जेड माइनस जेड टू बटा क्या हो जाएगा सी टू हो जाएगा। ये कॉस थीटा होता है इस दोनों वेक्टर, ये जो डायरेक्शन रेशियो है मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए क्या होता है ए वन ए टू होगा, ए बी वन बी टू हो जाएगा प्लस सी वन और सी टू होगा, बटा ये क्या करेंगे ए वन का स्क्वायर हो जाएंगे, बी वन का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का होल स्क्वायर। ये होगा जब एक कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया रहेगा तो कॉस थीटा निकालने के यही तरीका है। कॉस थीटा इक्वल टू मेन कंडीशन क्या होता है, ये होता है एल वन एल टू प्लस एम वन और एम टू प्लस एल वन और एल टू होता है। अगर एल वन के बात करेंगे तो एल वन का आता है इसकी डायरेक्शन रेशियो ऊपर रखी है, बटा ये तीनों के क्या करेंगे रूट में स्क्वायरिंग करेंगे, तो ए इसको ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर होगा। उसी तरह से हम ए टू निकालेंगे तो ए टू ऊपर में चला जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन ए टू बटा में ए मिलेगा, बाकी एलसीएम लिखेंगे इसी टाइप का होता है। तो हम लोग 11 देखेंगे, 11 में क्या है दो प्रश्न है, दोनों एक ही टाइप का है। नंबर क्या है 11, ये नंबर 1 है। आप यहां से लिखिएगा गिवन दैट, गिवन दैट नंबर 1 दिया है कि x माइनस टू बटा टू है, x एक देखो दो लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक एलेवन मान लेते हैं, तो x माइनस टू बटा टू y माइनस वाई फाइव अच्छे प्लस थ्री बाई माइनस थ्री, ठीक है। दूसरा क्या लाइन है एल टू, जो एल टू है वो x प्लस टू बटा माइनस वन, y माइनस फोर बटा कितना है एट है और z माइनस फाइव बटा क्या है ये फोर है। तो हमें cos थीटा इक्वल टू होता है, यहां से लिखेंगे एक हम फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा इक्वल टू इस टाइप के देता है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू होता है, बटा ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, एन टू होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और थ्री क्या हो जाएगा सी टू का स्क्वायर। इसमें देखेंगे डायरेक्शन रेशियो, पहले लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल वन, ये हो जाएगा ए वन इक्वल टू टू होगा, बी वन इक्वल टू फाइव होगा, सी वन इक्वल टू माइनस थ्री होगा। फिर हम डायरेक्शन रेशियो क्या देखेंगे ऑफ एल टू, एल टू मतलब क्या होगा ए टू इक्वल टू माइनस वन, बी टू इक्वल टू एट होगा, सी टू इक्वल टू क्या होगा फोर होगा। आगे हम बढ़ेंगे कॉस थीटा, ए वन ए टू का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये सभी का मोड ले लिया जाए तो ये होगा टू इंटू माइनस वन, ये फाइव इंटू क्या होगा एट और माइनस थ्री इंटू क्या होगा फोर हो जाएगा। बटा करेंगे इसमें स्क्वायर करेंगे, ए वन का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर, फाइव का स्क्वायर क्या होगा पच्चीस और तीन तीन के नौ। उसके बाद क्या करेंगे ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर, तो ए टू मतलब क्या होगा वन हो जाएगा, एट का चौसठ हो जाएगा और ये चार का सोलह हो जाएगा, सभी का क्या ले लेंगे मोड लेंगे। उसके बाद हम कॉस थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा, प्लस क्या होगा ये चालीस होगा और ये माइनस कितना होगा बारह, बटा कितना होगा इसको हम लोग जोड़ लेंगे अड़तीस हो जाएगा और ये एटी वन हो जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू चालीस में से बारह घटा देंगे अट्ठाईस आएगा, अब माइनस टू घटाएंगे तो कितना आएगा ये छब्बीस आ जाएगा, बटा ये कितना होगा अड़तीस, ठीक है और ए रूट में होगा और ए इंटू क्या होगा नौ, तो ये
थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स 26 बाई 9 रूट 38। इसी टाइप का नंबर टू है। तो नंबर टू में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि आपके पास दो लाइन दिया है, दोनों लाइन का हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। यहां से लेट लिख देते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या करेंगे, एल वन। तो ए वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी वन इक्वल टू 2 होगा, सी वन इक्वल टू 1 होगा। फिर डायरेक्शन रेशियो किसका देखेंगे, ऑफ एल टू देखेंगे, एल टू इक्वल टू क्या है ये 4, तो ए टू इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी टू इक्वल टू 1 होगा और सी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब करना क्या है, बस कॉस थीटा इक्वल टू लगा दीजिए। तो ये देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बटा ए हो जाएगा ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर इंटू रूट में ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर ए सी टू का स्क्वायर, सभी का ले लेंगे मोड ले लेंगे कॉस थीटा। ए वन का वैल्यू 4 है, इसका क्या है, सॉरी ए वन का वैल्यू 2 है, ए टू 4 है, 2 इंटू 1 है, 1 इंटू 8 है बटा, अब क्या करेंगे, ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर 4 और इसका 1, और फिर आगे चलेंगे 4 का स्क्वायर कर लिया जाए तो 16 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 64 मिलेगा। कॉस थीटा इक्वल टू ए मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, 2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा, 8 मिलेगा बटा ए 9 रूट में 9 और रूट कितना होगा 81, ए 8 और 2 10 और 8 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 8 कितना हो जाएगा जी, कॉस 18 हो जाएगा बटा इसका रूट 3 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा 9 दूना के 18 हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 बटा क्या होगा 3, अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 बाई 3। इसमें मिला के देखो आंसर है, नंबर क्या है 12 देखेंगे। गिवन दैट देखिए 12 थोड़ा सा देख लीजिए, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस, दो लाइन दिया आर एट राइट एंगल, मतलब एड वन क्या दिया है, एड वन हम लोग मानते हैं 1 - x/3 और सेवन y - 14 क्या है 2p है इक्वल टू z - 3y क्या होगा 2। सबसे खास बात एक है लाइन का, ए लाइन एल वन दिया है तो हम लोग देखते हैं x - x1 / a होता है, इसको पर विचार करेंगे उसी तरह से y का उसी तरह से z का उसी तरह से हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि a वाला पॉइंट होता है और ये x होता है तो ये करता क्या, 1 में से x घट रहा हुआ है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो x - 1 / क्या होगा 3, इसमें देखिए y है 7y है तो 7y को कॉमन करेंगे तो y - 2 / कितना होगा 2p हो जाएगा और ये a तो सही है। एक अब ये लाइन में और लिखेंगे x - 1 a - हम इसको इसमें लगा सकते हैं
वाई माइनस टू बट्टा क्या करेंगे, टू पी बट्टा इंडक्शन करेंगे, और जेड माइनस थ्री बट्टा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल वन क्या हो जाएगा, आर। ए वन बराबर मान लीजिए माइनस थ्री है, बी वन बराबर टू पी बट्टा सेवन है, सी वन बराबर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन की हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा लाइन इसी टाइप का है, इस सात माइनस सात एक्स है बाई थ्री पी, वाई माइनस फाइव बाई वन, जेड सॉरी सिक्स माइनस जेड बटा क्या है, फाइव है, ठीक है। यहां भी क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस वन बट्टा क्या मिलेगा, थ्री पी मिलेगा। ये वाई में से सही है, यहां से माइनस कॉमन करेंगे जेड माइनस बाई फाइव। इस माइनस को हम कहां लिखा जाए, इस माइनस को हम लिख देते हैं नीचे ला करके, तो ये थ्री पी बटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वन बाई, आगे हम लोग बढ़ेंगे। x माइनस वन बाई थ्री पी बाई क्या है, सात है, y माइनस फाइव बटा वन है, z माइनस सिक्स बटा माइनस फाइव है। इसका डायरेक्शन रेशियो देखिए ऑफ एल टू का, तो इस डायरेक्शन ए क्या है, एल टू है, सच में ए क्या है, ए टू इक्वल टू माइनस क्या है, थ्री पी बाई सात है, और b2 इक्वल टू क्या है, वन है, और c2 इक्वल टू क्या है, माइनस फाइव है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब देखो फोर लिखेंगे, जो प्रश्न बोलता है कि समकोण क्या है, परपेंडिकुलर के ना राइट एंगल्स, मतलब क्या है ये, कि ये जो कट कर रहा है राइट एंगल, इसका कंडीशन है ये बोला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के कंडीशन होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू और प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो होता है। आगे बढ़ेंगे, ए वन का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री इन टू क्या होगा, माइनस थ्री पी बट्टा माइनस प्लस हो जाएगा। बी टू का वैल्यू क्या है, टू पी बाई सात है, ए टू बी वन बी टू वन है प्लस, सी वन का वैल्यू क्या है, टू है इन टू, C2 का वैल्यू क्या है, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, तीन तीन के नौ बट्टा क्या होगा, सात हो जाएगा, और प्लस टू की बट्टा क्या होगा, सात हो जाएगा, और माइनस क्या, दस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर ये दोनों के हम लोग जोड़ेंगे तो ग्यारह पी बट्टा कितना आ जाएगा, सात आएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, दस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्यारह पी इक्वल टू क्या होगा, सत्तर हो जाएगा ना, तो P इक्वल टू क्या होगा, सत्तर बट्टा ग्यारह हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया, P इक्वल टू कितना है, तो आप नंबर जो तेरह है ऐसी बनाइएगा, परपेंडिकुलर बोला है, दोनों का हम क्या करेंगे, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू निकालेंगे। इस बात को हमेशा देखना है कि एक्स में से नंबर घटना चाहिए, जो भी संख्या है एक्स में से घटना चाहिए तो जोड़ेंगे, और इसमें है कि वाई में से, लेकिन एक कोफिशियंट क्या है, सात है, इसको हटा देंगे तो सात कॉमन कर लेंगे, एक ही बाटा में चलेंगे, ए बाटा के ऊपर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या करेंगे, नीचे वाला लिखेंगे, फिर उसी टाइप का दिया है, सात कॉमन करेंगे, सात नीचे रखेंगे, ये सही है, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे, इसकी डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला ले देंगे। और हमेशा क्या होता है, जब दो लाइन लंब होता है, ठीक है, तो लंब होता है मतलब राइट एंगल बनाएगा, समकोण बनाएगा, तो समकोण मतलब परपेंडिकुलर होता है, बाकी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। ए तेरह गिव है डेट, सॉरी ए तेरह गिव है डेट, देखिए एलवन दिया है, एलवन क्या है, एक्स माइनस फाइव बट्टा सेवन, y प्लस टू बट्टा कितना है जी, माइनस फाइव है, जेड बाई वन है,
अब अगर डायरेक्शन रेशियो देखेंगे ऑफ एल वन का, ए वन बराबर 7 आएगा, बी वन बराबर माइनस आएगा, सी वन बराबर 1 आएगा। अब फिर क्या देखेंगे, एल टू ना, अब एल टू देखेंगे, एल टू क्या है, एक्स बाई वन है, वाई बाई टू है और जेड बाई क्या है, 3 है। तो अब आगे इसकी डायरेक्शन रेशियो देखेंगे ऑफ क्या हो जाएगा, एल टू यानी कि ए टू इक्वल टू 1, बी टू इक्वल टू हो जाएगा 2 और सी टू इक्वल टू होगा 3। अब लिखा जाए ए वन ए टू निकालेंगे, बी वन बी टू निकालेंगे, सी वन सी टू निकालेंगे, तो सीधा आंसर मिलना चाहिए 0। ए वन का वैल्यू क्या है, 7, ए टू 1 है, माइनस देखो प्लस हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, गुना करेंगे 7 माइनस 10 प्लस 3, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो हम लिखेंगे हेंस, अतः हेंस द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, आज के क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है।